तो प्रिंसिपल फेल है, तेरी मैं लूंगा, मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस्कारा बचकाना ये मेरा खेल है, मेरे पास तड़ी पार। हेलो गाइस, वेलकम टू व्यूज ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूँ आप सभी का व्यूज ऑफ यू पे, जहाँ पे कि आपके व्यूज बनते हैं, मेरे न्यूज और इस न्यूज से रूबरू होते हैं आप सभी। सो गाइस, आज है 1 नवंबर 2021 और आज तक के जितने भी करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज का यानी कि 1 नवंबर 2021 का जो पहला करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स निकल के आता है वो ये है कि तो पहला अपडेट करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का जो निकल के आता है, जो पहला न्यूज़ निकल के आता है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का 2 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि उड़ीसा सरकार द्वारा 100% का टैक्स छूट ईवीज पर यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर देने की घोषणा की गई। यानी ईवीज जो भी खरीदेगा उसको टैक्स पे नहीं करना है, या फिर अगर कोई ईवीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी उसको पे नहीं करना है। यानी कि 100% छूट दिया जा रहा है, 100% एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, और ये जो नियम है 2025 तक लागू रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स निकल के आता है 2 नवंबर 2021 तक का। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है 2 नवंबर 2021 के करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए, वो ये है कि यूनिटी बैंक ने अपना ऑपरेशन या फिर यूनिटी बैंक ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कब से स्टार्ट करेगा, लेकिन यूनिटी बैंक को लाइसेंस 12 अक्टूबर को मिल चुका था। इट मीन्स कि वो कभी भी ऑपरेशन कर सकता है, जब भी अनाउंसमेंट उसके हेड द्वारा कर दिया जाए या फिर जो उसके वो है MD & CEO है उनके द्वारा जब भी अनाउंसमेंट कर दिया। बता देते हैं कि जो यूनिटी बैंक है ये एक ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच का, सेंट्रल बैंक और भारत पे। सेंट्रल बैंक का इसमें 51% शेयर है, वहीं भारत पे का 49%, और ये दोनों ही एक लंबा रास्ता बना रहे हैं। कैसे, तो PMC कोऑपरेटिव को अपने अंदर मर्ज करके, यानी कि एक तरीके से PMC का भी क्या कर दे रहे हैं, रास्ता निकाल दिया है यहाँ पे। PMC पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है ये, ठीक है, तो उसका भी इन्होंने रास्ता एक निकाल दिया है। तो ये अब तक की बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यूनिटी बैंक ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तरीके से तो PMC बैंक को अपने अंदर शामिल कर दिया है, मर्ज कर दिया, एंड ऑल्सो एक लंबा रास्ता उनको मिल गया है इसका। ठीक है, तो ये दूसरा करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है 2 नवंबर 2021 तक का। तीसरा एक छोटा सा करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो ये है कि यस बैंक ने शरद शर्मा को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है। तो ये तीसरा करंट इकोनॉमिक अफेयर्स है 2 नवंबर 2021 तक का। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे अब बिजनेस अफेयर्स के बारे में टिल 2 नवंबर 2021 तक का। तो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। तो गाइस, जो सबसे पहले बिजनेस अफेयर्स निकल के आता है 2 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि अब कंपनियों को अधिक टैक्स पे करना पड़ सकता है इनटेंजिबल एसेट्स पर, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2 सबहेड्स बनाए गए हैं अंडर GST। ठीक है, क्या, तो एक राइट टू यूज़ और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़। कहने का मतलब है कि आपने कोई पेन बनाया, उसका पेटेंट आपने किसी को भेज दिया, या फिर कहने का मतलब है कि आपका लोगो कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, उसके बदले में आपको वो पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब कहते ये नहीं है कि आप, मतलब पहले क्या था कि आप ही उसका पेमेंट कर देते थे टैक्स का, बट नाउ आप अपने फ्रेंचाइजेस का भी और अपने लोगोस का भी पेमेंट करना आपको पड़ेगा एज अ टैक्स। तो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल की घड़ी है कि भाई उनको अधिक पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर वो अपना एक सब्सिडी भी रखे हैं तो उसका भी पेमेंट, उसके भी टैक्स का पेमेंट करना होगा, और साथ साथ अपने भी कंपनी का पेमेंट करना होगा। यानी कि अपनी सब्सिडी बॉडी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी जो होता है, इन दोनों को एक में नहीं मिलाना है, ये दोनों अब अलग अलग हैं। ठीक है,
भी दोनों अलग अलग एंटिटीज हो चुकी हैं, तो ये भी टैक्स पे करेगा, होल्डिंग कंपनी भी और सब्सिडियरी कंपनी भी, ठीक है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और काफ़ी हद तक एक सही डिसीजन भी है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस निकल के आता है 2 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि ओला ने अपने जो स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, उनको लॉन्च करने का जो डेट है वो और डिले कर दिया है। अब एक ऑफिशियल के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि दिसंबर 16 से परचेज विंडो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 16 दिसंबर से आप ओला के स्कूटर्स को खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, क्या नाम है उसका, ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका नाम है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि ये सितंबर में ही लॉन्च होने वाला था, सितंबर में इसका परचेज विंडो ओपन होने वाला था, लेकिन अब परचेज विंडो 16 दिसंबर को ओपन होगा, ये एक ऑफिशियल द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया है। सो ये सारे बिजनेस अफेयर्स निकल के आए हैं आज, यानी कि 2 नवंबर 2021 तक। तब तक के लिए आप सभी को व्यूज ऑफ यू की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद। तब